नमस्कार, मैं राम सहाय। आपको जब कभी गमला बनाना हो तो आप देख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले आप पेंसिल से स्क्रेच कर लें, जहाँ भी जैसा भी बनाना हो। तो पेंसिल से स्क्रेच करने से फ़ायदा अपन को ये होता है कि कलर गलत जगह नहीं लगता, क्योंकि कलर लगने के बाद फिर वो सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए आप पेंसिल से ड्रैग करने के बाद इस तरह से अपन कलर करते हैं। तो देखते जाइए, ये गमला बनाने का आसान तरीका, आप कहीं भी सुंदर सा गमला बना सकते हैं। और जो भाई बहन इस वीडियो पर नए हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइक तो ज़रूर करना भाई मेरे वीडियो को, ताकि मेरा भी मन लगता रहे। तो देख सकते हैं इस तरह से, पीछे वीडियो थोड़ा कट गया था इसलिए आधे से चला है। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। पहले कलर से लाइन खींच लेते हैं ड्रैग किए हुए पेंसिल की लाइन के ऊपर से, और फिर धीरे धीरे इस तरह से हरा कलर लेके, कोई सा भी कलर ले सकते हैं लेकिन हरा कलर ही ज़्यादा सुटेबल रहता है। तो इस तरह से अपन बना लेते हैं। अब हम इस गमले के लास्ट पॉइंट में फूल बनाएंगे। उससे पहले उसके ऊपर एक कलश बना हुआ है जिसमें पत्तियां देना बाकी था, उसको भी दे देते हैं। फिर उसके बाद जब फूल देंगे दो कलर से, आप एक कलर से भी दे सकते हैं लेकिन हम दो कलर से देंगे। ब्रश के दोनों नोक में अलग अलग कलर लेके फिर उसको ड्रैग करके आसानी से फूल बना सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक साइड लाल कलर, एक साइड पीला कलर लेके इस तरह से फूल बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और एक कलर से भी बना सकते हैं, रेड कलर से भी बना सकते हैं। सो गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।